क्रिकेट के सभी चाहने वालों का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच पहले T20 महासंग्राम मुकाबले में दोस्तों आज सिक्का उछला। इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। आमंत्रित किया है भारत की टीम को बल्लेबाजी करने के। बड़ा मुकाबला आज इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच पहला T20 महासंग्राम मुकाबला दोस्तों यहाँ पे खेला जा रहा। सभी दर्शकों का निवेदन, जुड़ जाइए हमारे साथ और भारतीय टीम और तिरंगे के सपोर्ट में मैच को लाइक जरूर कर दीजिए। दूसरी गेंद बाहर दिशा से भटके हवा में खेला और लिज पीछे फील्डर मौजूद है। सफलता मिली इंग्लैंड की टीम को पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही। क्रिस बॉक्स को मिली सफलता यहाँ पे तो दोस्तों चलता कर दिया यशस्वी जायसवाल को। लाजवाब मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। आगे वाले आने वाले बल्लेबाज दोस्त यहाँ पे आ चुके हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। बड़ा मुकाबला, दर्शक हजारों की संख्या मौजूद इस मुकाबले में और इंग्लैंड की टीम ने पहली गेंद पर दोस्त यहाँ पे सफलता भी ले ली। पहले ओवर में क्रिस बॉक्स के सामने रहेंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव। बड़ा मुकाबला, चलिए क्रिस बॉक्स की गेंद, सूर्य कुमार यादव बड़ा प्रहार डग आउट में डीप पॉइंट सी मार्क के बाहर। सूर्य कुमार यादव ने तीसरी गेंद को 124 मीटर दूर डिलीवर कर दिया है दर्शक की गांव में 6 रन के। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड बड़ा मुकाबला वर्ल्ड कप के बाद आमने सामने पहली बार दोनों टीमें आई हैं। T20 मैचों की श्रृंखला दोस्तों प्रारंभ हो चुकी इंग्लैंड के साथ। आज पहला मुकाबला भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है दोस्तों। इस वक्त आप सभी क्रिकेट की चाहने वालों से मेरा निवेदन मेरी गुजारिश की दोस्तों मैच को लाइक जरूर करते। दूसरी गेंद फिर से भाई पार, एक और लगातार छक्का। सूर्य कुमार यादव कप्तान है बेखौफ विभाग अंदाज दोस्तों मुकाबला इस वक्त चल रहा है। लाजवाब मुकाबला भारत बनाम इंग्लैंड के बीच T20 मुकाबला दोस्तों यहाँ पे बारिश के कारण मुकाबला सीमित ओवर का रखा गया है। अब देखते हैं भारतीय टीम कितना बड़ा टारगेट यहाँ पे खड़ा कर पाई दोस्तों। पाकिस्तानी कुछ दर्शकों ने कमेंट किया था कि भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ या किसी देश के खिलाफ T20 मैच में जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। यहाँ पे देखते हैं क्या भारतीय टीम इंग्लैंड से जीत दर्ज कर पाएगी। चले तैयार क्रिस बॉक्स पांचवी गेंद का सामने सूर्य कुमार यादव लीज तीसरा छक्का सूर्य के बल्ले। तीसरा छक्का कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले से आप देख सकते हैं दोस्तों भारतीय दर्शक हजारों की संख्या में मौजूद है इस मैदान पर। सूर्य कुमार यादव की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने के लिए क्रिस बॉक्स के सामने सूर्य का तूफानी अंदाज कुछ भयंकर रौद्र रूप धारण कर चुके। सूर्य कुमार यादव त्रिकाल दर्शी बन चुके। सूर्य कुमार यादव तीनों दिशाओं में देखकर हर दिशा में दोस्तों अपना बल्ला घुमा रहे हैं और पहली पांच गेंदों पर 18 रन आ चुके भारतीय टीम की तरफ से। चलिए तैयार क्रिस बॉक्स अंतिम गेंद लेकर सामने सूर्य कुमार यादव। क्रिस बॉक्स की अंतिम गेंद सूर्य कुमार यादव अपर कट किया विकेट के पीछे कौन शानदार 6 रन। 4 छक्के सूर्य कुमार यादव के बल्ले से क्रिस बॉक्स के पहले ओवर में आ चुके। दूसरी गेंद पर मिली सफलता 4 छक्के दोस्तों यहाँ पे लगाए सूर्य कुमार यादव ने। बड़ा ओवर रहा भारतीय टीम के नजरिए से। 5-5 ओवर का दोस्तों मुकाबला चल रहा है। पहले ओवर में भारतीय टीम के 24 रन आ चुके हैं। अब बची 24 गेंदें, देखते हैं कितना बड़ा टारगेट यहाँ पे खड़ा कर पाएगी भारतीय टीम। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन कि भारतीय टीम और तिरंगे के सपोर्ट में इस मैच को लाइक करके अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में लिख दीजिए हिंदुस्तान जीतेगा। आज चौथी लगान डबल लगान वसूली जाएगी इंग्लैंड की टीम से इस मुकाबले में। एक ओवर के समाप्ति के पश्चात 24 पर एक भारतीय टीम सामना करेंगे सुमन गिल। गेंदबाज मार्क वुड सामना करेंगे सोमन गिल। दिन का यह मुकाबला खूबसूरत आज की सुबह किसके नाम होने वाली। चलिए तैयार क्रिस बॉक्स की पहली गेंद और कट डिलीवरी कहती है यॉर्कर को दोस्तों अपने ही अंदाज में यहाँ पे खूबसूरत तरीके से सोमन गिल ने लोगों के ऊपर से डग आउट पर डिलीवर कर दिया। गेंद के लगे पर 6 के हस्ताक्षर सोमन गिल के बल्ले से। गेंद के लगे पर 6 के हस्ताक्षर सोमन गिल के बल्ले से दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं। खूबसूरत अंदाज में बेखौफ बेबाक अंदाज में मुकाबला चल रहा है। आप सभी दर्शकों से, आप सभी क्रिकेट चाहने वालों से निवेदन है गुजारिश है दोस्तों भारतीय टीम के सपोर्ट में इस मैच को लाइक जरूर करते जाइए। चलिए साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया। आगे आने वाले मुकाबले नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल जाएगा। फिर से एक और खूबसूरत शॉट विकेट के पीछे, टाइमिंग लाजवाब, शॉट चॉइस उतना अच्छा नहीं था लेकिन विकेट के पीछे 77 मीटर का लंबा छक्का सोमन गिल के बल्ले से। लाजवाब मुकाबला, टॉस आज जीते इंग्लैंड के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। आमंत्रित किया भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए और भारतीय टीम 1.2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 36 पर एक है। सोमन गिल 2 गेंदों पर 12 रन बना चुके। कप्तान सूर्य कुमार यादव 4 गेंदों पर 24 रन बना चुके। भारतीय टीम की बड़ी हुंकार इस मुकाबले इंग्लैंड के खिलाफ। मार्क वुड तैयार एक बार फिर से। मार्क वुड की अच्छी गेंद थी, गिल बैक फुट पर आए, तीखा पंच मारा, खूबसूरत शॉट 4 रन, डीप और सीमारेखा के बाहर। अद्वितीय विश्वसनीय प्रहार, दर्शनीय बल्लेबाजी, कलात्मक बल्लेबाजी सोमन गिल के बल्ले से। एकदम बैक फुट पर आए, अपने आप को रूम बनाया
रूम बनाकर दोस्तों यहाँ पे चौका लगा दिया सोमन गिल ने। बड़ा मुकाबला, हर तरफ दर्शक मौजूद इस मैदान पर, दर्शकों में हर्षोल्लास और खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। भारतीय टीम हंकार भर चुकी इस बड़े मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ। चले पहली तीन गेंदों पर 16 रन आ चुके मार्क वुड चौथी गेंद देखकर तैयार, सामना करेंगे सोमन गिल। 5-5 ओवर का ये मुकाबला है। गिल सामने मौजूद है, इस बार गिल आगे आएंगे और हवा में खेला, पीछे फील्डर मौजूद है, भागने साथ दिया सोमन गिल का। मात्र दोस्त यहाँ पे सिंगल चुराया है। एक समय ऐसा लग रहा था कि अगर विकेट फाइनल का फील्डर 30 गज के यार्ड के अंदर रहता तो शायद यहाँ पे विकेट मिल सकता था मार्क वुड को, लेकिन भागने मार्क वुड का भी साथ दिया, सोमन गिल को भी साथ दिया। यहाँ पे तैयार पांचवी गेंद लेकर सामने सुरकुमार यादव कप्तान मौजूद है। मार्क वुड की गेंद सुरकुमार यादव के लिए, ओवर डिलीवरी गेंद थी, सीधा प्रहार किया सुरकुमार यादव ने, अपना पसंदीदा शॉट एक कदम आगे बढ़ाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 133 मीटर दूर इतनी गति से गेंद आई थी, उतनी गति से दोस्तों वापस भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रन के। सूर्य ऑन द फायर, आग उगलता हुआ सूर्य, सूर्य के ज्यादा करीब मत आओ जल जाओगे। इसी अंदाज में दोस्तों आज यहां हुंकार भर चुके भारतीय कप्तान सुरकुमार यादव। 1.5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 47 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है। बड़ा मुकाबला, दर्शकों में हर्षोल्लास से खुशी का माहौल। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने दोस्तों आज जंग सेट दिया मुकाबले। 23 रन आ चुके मार्क वुड के ओवर से, भारतीय टीम अंतिम गेंद सामने करेंगे सुरकुमार यादव। मार्क वुड के सामने अंतिम गेंद, मार्क वुड की अंतिम गेंद पर भी अपर कट किया, लेंस विकेट कीपर जॉस वर्ना दर्शक बन के रह चुके हैं। चौका बटोरा सुरकुमार यादव ने अंतिम गेंद पर भी दोस्त, यहाँ पे चौका बटोरा है खूबसूरत अंदाज में। हुंकार भर चुकी भारतीय टीम, आगे बढ़ती हुई भारतीय टीम इस बड़े मुकाबले में। और दोस्तों अगर यहाँ से भारतीय टीम जीत दर्ज करती है तो इंग्लैंड के खिलाफ पहली जीत होगी भारतीय टीम की, और बढ़ती हुई युवा भारतीय टीम की हुंकार पूरे विश्व में गूंज रही है। आप सभी दर्शक भी भारतीय टीम का सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों इस मैच को लाइक करके, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है। दो ओवर की समाप्ति 51 पर एक आदिल राशिद आया, तीसरा ओवर लेकर सामने करेंगे सोमन गिल। आदिल राशिद की पहली गेंद पर गिल ने बड़ा प्रहार किया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से हुंकार भरी है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार टाइमिंग, डाउन द ग्राउंड 6 रन। भारत बनाम इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, बड़ा मुकाबला, दर्शकों में हर्षोल्लास बेखौफ और विवाक अंदाज में। भारतीय टीम दोस्तों यहाँ पे आरंभ प्रचंड कर चुकी है और ऐसे अंदाज में अगर यहाँ दोस्तों बल्लेबाजी करेगी भारतीय टीम तो इंग्लैंड की टीम को आज से कम 140 रन का टारगेट देगी। आदिल राशिद दूसरी गेंद सामने, सोमन गिल मौजूद है, इस बार डीप विकेट के ऊपर से उठाया है, संपर्क लाज जवाब है लेकिन उतना बेहतर नहीं, फिर भी दोस्तों गेंद जाएगी डीप विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रन के। चौका यहाँ पे मिला है आदिल राशिद की गेंद, काफी निराश दिखाई दे रहे हैं आदिल राशिद। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों का बोलबाला, सर चढ़कर बोल रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज समाप्त हुई, इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों प्रारंभ हो चुकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और देखते रहिए इस महासंग्राम मुकाबले। आदिल राशिद सामने गिल, और इस बार भी एक फुट बनाए थे, खूबसूरत शॉट है, पॉइंट पर फील्डर मौजूद है, काफी लंबे समय बाद डॉट बॉल इंग्लैंड की तरफ से आई, आदिल राशिद ने फेंकी है और आदिल राशिद के सामने हुंकार भर चुके सोमन गिल। 7 गेंदों पर 27 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे, 61 पर एक भारतीय टीम। आदिल राशिद तैयार गेंदबाजी करने के लिए, सामना दोस्तों यहां पे करेंगे बल्लेबाज सोमन गिल। चौथी गेंद चले तैयार आदिल राशिद, आदिल राशिद के गेंद सोमन गिल ने बड़ा प्रहार, गेंद के नीचे आए, टाइम किया गेंद को, बेखौफ बेबाक अंदाज में आरंभ प्रचंड कर दिया दोस्तों भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में। सभी क्रिकेट के चाहने वालों से निवेदन, अंत तक जरूर देखें इस मैच को, ज्यादा बड़ा दूसरा मुकाबला नहीं है, मात्र 5-5 ओवर का है, 15 से 20 मिनट में समाप्त हो जाएगा और ये मुकाबला बेहतर है, ये मुकाबला बेखौफ है, मुकाबला बेबाक अंदाज में नजर आ रहा है। इस वक्त भारतीय टीम ने आरंभ प्रचंड कर दिया है और 2.4 ओवर की समाप्ति के पश्चात भारतीय टीम का दोस्तों इस वक्त स्कोर हो चुका है 87 पर एक दोस्त यहाँ पे नजर आ रहा है मुकाबला। भारतीय टीम आगे बढ़ रही है और जीत की ओर आगे दोस्त यहाँ पे बढ़ेगी भारतीय टीम। बेखौफ बेबाक अंदाज में मैदान में भारतीय बल्लेबाज दोस्त यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए सोमन गिल सामने मौजूद करेंगे, पांचवी गेंद का आदिल राशिद सामने सोमन गिल, आदिल राशिद की पांचवी गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, उसके ऊपर दोस्तों लाजवाब प्रहार किया है,
विकोप विभाग के अंदाज में दोस्तों गेंद को डिलीवर कर दिया है दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। क्या बात है, अद्वितीय विश्वसनीय प्रहार हर तरफ दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों का बोल बाला दिखाई दे रहा है और इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा आगाज जैसी शुरुआत भारतीय बल्लेबाजों ने पहले कभी नहीं की होगी दोस्तों। ऐसा आगाज जैसा प्रहार आज भारतीय टीम यहां पे कर चुकी है बेखौफ और विवाह का अंदाज में। अंतिम गेंद आदिल राशिद की, अंतिम गेंद पर भी 100 किल टूट कर पड़े हैं बेखौफ अंदाज में। टब जबरदस्त प्रहार लॉन्ग ऑफ सिमरका के बाहर डग आउट में 6 रन। एक और दोस्त यहाँ पे छक्का बटोरा है और बढ़ चुकी भारतीय टीम बड़े मुकाबले में आगे। और दोस्तों मुकाबला इस वक्त चल रहा है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम बेंगलोर में। हवाई पार किया, एक और खूबसूरत शॉट डग आउट में 6 रन। सूर्य कुमार यादव आए चौथे ओवर की पहली गेंद पर, सूर्य कुमार यादव सामना कर रहे हैं गेंदबाज के ऊपर दोस्तों, कहर बनकर बरसे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। बेंगलोर के इस खूबसूरत मैदान में दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद अफगानिस्तान के साथ भी दोस्तों मुकाबले होने वाले हैं। तो आज देखते कहानी क्या घटेगी। सूर्य कुमार यादव ककनचुंबी प्रहार, आसमान को चीरते हुए सूर्य कुमार यादव के बल्ले से लंबा प्रहार, लंबा छक्का 85 पर एक भारतीय टीम। 3.1 ओवर की समाप्ति के पश्चात 5-5 ओवर का मुकाबला दोस्तों, मात्र अब यहां से 11 गेंदें शेष रह चुकी, मात्र 11 गेंदें शेष। सामने बल्लेबाज लियम प्लंकेट गेंदबाज, सामने कप्तान सूर्य कुमार यादव द्वारा प्रकट किया है विकेट के पीछे एक और 4 रन लीजिए। ऐसा लग रहा है दोस्तों आज इंग्लैंड की टीम को कम से कम 140 से ज्यादा का टारगेट यहां पे दोस्तों मिलने वाला है। चलिए तैयार, सामने करेंगे सूर्य कुमार यादव, फिर से लियम प्लंकेट की गेंद, सूर्य कुमार यादव हवाई पार अपरकट खूबसूरत अंदाज में एक और 6 रन। हर तरफ भारतीय कप्तान का बोलबाला है इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों, बेखौफ अंदाज में मात्र 9 गेंदों पर 7 छक्के 2 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक भारतीय कप्तान ने पूरा कर दिया है। हजारों की संख्या में भारतीय दर्शक मौजूद दोस्तों, और क्यों नहीं होंगे, भारतीय सर जमी पर मुकाबला खेला जा रहा है बेंगलोर के खूबसूरत मैदान पर। लियम प्लंकेट 3 गेंदों पर 16 रन खर्च कर चुके हैं, सामने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बेखौफ विभाग अंदाज में। चले प्लंकेट की गेंद, सामने करेंगे सूर्य कुमार यादव, प्लंकेट की गेंद, सूर्य कुमार यादव ने यहां पे विकेट गिर चुका है। सफलता मिली इंग्लैंड की टीम को, प्लंकेट ने चलता कर दिया सूर्य कुमार यादव का। 50 रनों की तूफानी पारी खेली दोस्तों यहां पे सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन दोस्तों अब जो बल्लेबाज आ रहा है उस बल्लेबाज ने पूरे विश्व को थर्रा दिया है। रिंकू सिंह आ चुके हैं मैदान पर, हुंकार भरेंगे अब 2 गेंदें शेष ओवर की, उसके बाद दोस्तों अगला ओवर आएगा। चलिए लियम प्लंकेट के सामने रिंकू सिंह, पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने बड़ा प्रहार डीप मिड विकेट के ऊपर से डाउन द ग्राउंड दर्शक दीर्घा में भेजा है स्टैंड में दोस्तों, गेंद को डिलीवर कर दिया 6 रन के लिए। पहली गेंद पर रिंकू सिंह अलीगढ़ का यवान और जवान, हुंकार भर चुका दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में। बेखौफ विभाग के अंदाज में इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों भारतीय टीम का बोलबाला है, और ऐसी अंदाज में अगर बल्लेबाज यहां पे चलती रहेगी 140 के आसपास का टारगेट दोस्तों आज इंग्लैंड की टीम के सामने भारतीय टीम खड़ा कर देगी। 3.5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 101 पर 2, सामने रिंकू सिंह मौजूद। लियम प्लंकेट के ओवर से 22 रन आ चुके हैं, एक सफलता भी दोस्तों लियम प्लंकेट को मिल चुकी है। रोचक और रोमांचक स्थिति में मुकाबला यहां से आ चुका है, देखते हैं 5-5 ओवर के इस मुकाबले में कितना बड़ा टारगेट भारतीय टीम आपसे दोस्तों खड़ा कर पाएगी। मात्र 7 गेंदें शेष है, 101 पर 2 भारतीय टीम। सूर्य रिंकू सिंह आमने फिर से एक और गेंद, लियम प्लंकेट की एक बार फिर से बैक टू बैक कब्बर इज द बैक, रिंकू सिंह का तूफान। आईपीएल बहुत ही जल्द आने वाला है, उससे पहले रिंकू सिंह ने दोस्तों आप हुंकार भरी 2 लगातार छक्के लगा दिए हैं लियम प्लंकेट के ऊपर। खूबसूरत अंदाज में बेखौफ और विवाह के अंदाज में दोस्तों आप छक्का लगाए रिंकू सिंह ने 2 लगातार छक्के के साथ दोस्तों आप ओवर समाप्त हो चुका है। अंतिम की 6 गेंद यहाँ पे शेष है, अंत की 6 गेंदें शेष है। सामना करेंगे सोमन गिल, अपने अर्धशतक से मात्र 5 रन दूर दोस्तों सोमन गिल यहाँ पे। रोचक और रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम बहुत आगे निकल चुकी है, बड़ा टारगेट दोस्तों यहाँ पे खड़ा कर दिया। डेविड विली आया अगला अंतिम ओवर लेकर, डेविड विली आया अंतिम ओवर लेकर, सामना करेंगे सोमन गिल। चलिए डेविड विली तैयार, पहली गेंद लेकर सोमन गिल सामने, 45 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं डेविड गिल। पहली गेंद सोमन गिल ने पुल तो किया है, पीछे फील्डर मौजूद है, मात्र यहां पे दोस्तों सिंगल मिलेगा पहली गेंद पर।
डेविड विली की स्लोअर डिलीवरी गेंद थी, सो अमन की गेंद को अच्छे तरीके से टाइम नहीं कर पाए। मात्र 5 गेंदे शेष हैं, सामने बल्लेबाज रिंकू सिंह मौजूद हैं। इंग्लैंड के दर्शक निराश हैं, फिलहाल भारतीय दर्शक दोस्तों हजारों की संख्या में मौजूद हैं। डेविड विली दूसरी गेंद, सामने रिंकू सिंह और लेजर। रिंकू सिंह ने अपर कट कर दिया है खूबसूरत अंदाज में, डीप स्कोर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन। रिंकू सिंह अपना ही अंदाज है, क्लासिक बल्लेबाज, छक्कों के बेताज बादशाह रिंकू सिंह इस वक्त दोस्त इस मैदान पर अपनी हुंकार भर चुके हैं। बढ़ती हुई भारतीय टीम आगे, बड़ा टारगेट दोस्त आप खड़ा करने की, और भारतीय टीम आगे बढ़ रही है। 4.2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 114 पर 2 भारतीय टीम। रिंकू सिंह 3 गेंदे 18 रन बना चुके हैं, सुमन गिल 4 गेंदों पर 40 रन दोस्त यहाँ पे बना चुके हैं, मात्र 4 रन दूर अपने अर्धशतक से। क्या रिंकू स्ट्राइक देंगे सुमन गिल को, क्या सुमन गिल अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? अब यहां से 2 बड़े संभाल लेके रिंकू सिंह तो अपने ही अंदाज में, बेखौफ बेबाक अंदाज में लोगों के ऊपर से एक बार फिर से गेंद को डिलीवर कर दिया दर्शक दीर्घा में 6 रन के। रिंकू ऑन द फायर, डेविड विली के सामने रिंकू सिंह का तूफान इस वक्त दोस्तों हुंकार भर चुका, ज्वालामुखी बनकर फूट पड़े रिंकू सिंह। बड़े मैदान पर बेंगलोर का एक खूबसूरत मैदान, भारतीय दर्शक साथ साथ में इंग्लैंड के दर्शक भी मौजूद है। 120 पर 2 भारतीय टीम। 4.3 ओवर की समाप्ति के पश्चात बड़ा टारगेट दोस्तों आप इंग्लैंड के सामने भारतीय टीम ने खड़ा कर दिया है। अब देखते हैं दोस्तों क्या इंग्लैंड की टीम इस टारगेट को चेस कर पाएगी। चलिए सामने रिंकू सिंह, गेंदबाज डेविड विली, 2 छक्के आ चुके यहां पे, देखते हैं अब 34वीं गेंद पर क्या कमाल करेंगे। रिंकू सिंह तैयार, डेविड विली के सामने लंबा रन, डेविड विली तैयार, बाएं हाथ की तेज गेंदबाज रिंकू सिंह के लिए, रिंकू सिंह ने बड़ा प्रहार कर दिया है साइड स्क्रीन के ऊपर से, डग आउट पर डिलीवर कर दिया इस गेंद को। रिंकू सिंह का हुंकार, रिंकू सिंह के दोस्तों 5 छक्के आ चुके हैं अभी तक इस पारी में, 5 छक्के दोस्तों आप लोगों को दिखा जाएंगे इस गेंद के बाद। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहा है युवा बल्लेबाज, अलीगढ़ का युवा नौजवान दोस्तों आप देख सकते हैं 5 छक्के रिंकू सिंह ने शानदार अंदाज में लगाए है। ये रहा पारी का पहला छक्का, बेखौफ अंदाज में, बेबाक अंदाज में रिंकू सिंह की हुंकार भरी है इस मुकाबले में। अंतिम गेंद पर शानदार छक्का रिंकू सिंह ने लगाया, तो उसके बाद दोस्त यहाँ पे शानदार अंदाज में मुकाबला यहाँ पे चल रहा है रिंकू सिंह के लगातार छक्के। एक और छक्का डेविड विली के ऊपर लगाया था पिछली गेंद पर, अपरकट किया था डीप स्कोर लेग के ऊपर से, सीधा डगआउट में डिलीवर कर दिया था दर्शक दीघा में। एक और दो अंतिम छक्का दो यहाँ पे लगाया दोस्तों, वो बेहतर है बेबाक बेखौफ अंदाज में लगाया, सीधा विकेट के सामने लगाया रिंकू सिंह ने। हर तरफ रिंकू सिंह के दोस्त यहाँ पे बोलवाला दिखाई दे रहा है, आप सभी लोगों से निवेदन है मैच को लाइक जरूर कर दीजिए। चले 2 गेंदे शेष है, सामने रिंकू सिंह मौजूद, 2 गेंदे शेष सामने रिंकू सिंह मौजूद है। अब देखते हैं 2 गेंदों पर क्या कमाल होगा। फिलहाल दूसरी गेंद अच्छी गेंद, बल्लेबाज से बहुत ज्यादा दूर है, डॉट बॉल वापसी की डेविड विली ने। रिंकू सिंह के सामने चालाकी दिखाई डेविड विली ने। मुकाबला इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, पहला T20 महासंग्राम मुकाबला इस वक्त दोस्तों चल रहा है। सामने रिंकू सिंह मौजूद है, डेविड विली के सामने रिंकू सिंह मौजूद है, बड़ा मुकाबला। अंतिम गेंद पे डेविड विली ने दूर फेंकी थी बल्लेबाज रिंकू सिंह थे, लेकिन इस बार ये रिंकू सिंह ने गेंद को शानदार अंदाज में टाइम किया है और दोस्तों डिलीवर कर दिया दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। भारतीय टीम की तरफ से शानदार दोस्त यहाँ पे टारगेट खड़ा किया इंग्लैंड के सामने, बड़ा टारगेट दोस्तों इंग्लैंड के सामने भारतीय टीम ने खड़ा कर दिया। टारगेट को यहाँ पे चेज करने से आएगी इंग्लैंड की टीम। रिंकू सिंह ने 36 रन दोस्तों बनाए, मात्र 7 गेंदों पर 50 बनाए सूर्यकुमार यादव ने, 46 दोस्तों बनाए सोमन गिल ने। अब आएगी दोस्तों अगले वीडियो में इंग्लैंड की टीम टारगेट को चेज करेगी, जब तक आप सभी लोगों से मेरा निवेदन की मैच को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे दोस्तों आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से मिल जाएगा। क्रिकेट 19 गेम प्ले जबरदस्त महासंग्राम मुकाबला आपके अपने यूट्यूब चैनल मजेदार स्पोर्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।